आठ मंत्री जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आज ये हमारे जो सौराष्ट्र और तमिल संगम के कार्यक्रम में अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आज ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और मैं यहाँ उपस्थित हूँ आपके बीच। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है। मोदी साहब ने जो सूत्र दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत उसको सार्थक करने के लिए और साथ साथ हमारे जो सौराष्ट्र की जो भूमि है वहाँ के लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे तो सौराष्ट्र ना पड़ा। वहाँ ये जो ईस्वीसन पूरे 500,000 साल पहले वहाँ सोमनाथ की हमारी जो हमारा इष्ट देव था महादेव का मंदिर था उसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा और लूटपाट चलाया। उसी समय वहाँ के हमारे जो पुरखों ने हमारे जान माल की रक्षा के लिए वहाँ से विस्थापन किया और वहाँ से करते करते ये जो महाराष्ट्र से कर्नाटक यहाँ करते करते यहाँ आंध्र होकर हमारे कुछ हमारे पूर्वज या तमिल में आकर बसे और यहाँ उसी समय जो दक्षिण के विजयनगर पर जो साम्राज्य के बाद जो तिरुमलाई नायकर का साम्राज्य यहाँ था 1623 से लेकर 1654 तक ये मदुराई के राजा रहे। उन्हें यहाँ हमारे जो सभी लोगों को आश्रय दिया और हमारे जो लोग जो तो हैंडीक्राफ्ट सब कारीगर कलाकारी जो करते थे तो यहाँ कर उन्होंने संघर्ष करके परिश्रम करके मेहनत करके अपना अपना जो उद्योग है शिक्षा है वो जो पाठशाल है कौशल है हस्त कौशल है सब व्यापार से शुरुआत करके हम यहाँ वो स्थायी हुए और यमी प्रीति ताजोर कुम्र कोमल साले अलग अलग और ये जो डिडीगुल सभी जगह रहते हैं उनको न्योता देने के लिए आए। तमिल सौराष्ट्र संगम का कार्यक्रम हमारे गुजरात प्रांत में संपन्न होने जा रहा है उसका पूरी पूरा रिपोर्ट दिया है और हमारे समाज के ये सभी जो भाई बंधु है उनको इन्विटेशन देने के लिए आए हैं। तो आप गुजरात पधारे 17 अप्रैल को ये जो गुजरात प्रांत में कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है तो सभी हमारे जो सौराष्ट्र के लोग जो या तमिल में जो है उनको आमंत्रित करने के लिए आए ये आवजो कहने के लिए आए और आज मुझे इस बात की खुशी हमारा तहे दिल से उन्होंने स्वागत किया और सभी हमारे सभी बुजुर्ग लोग अबाल वृद्ध बुजुर्ग और हमारे जो ये डांडिया रास जो राजामणि का जो रास था उसके साथ में मैं डांडिया रास भी खेला और जो ये जो ज्योतिराम का जो म्यूजिक था उसको बजाया और मुझे ये बालाराम मंदिर का यहाँ भी पूजा पाठ किया यज्ञ किया वो चैत्री नवरात्रि भी चल रही है। हमारा सनातन हिंदू संस्कृति का ये आस्था का केंद्र जो बालाजी उस वहाँ हम सब ने मिलकर यज्ञ हमने हवन आहुतियाँ भी दी मंदिर में दर्शन किया और मुझे यहाँ कर बहुत खुशी हुई और यहाँ के जो आतिथ्य सत्कार अतिथि देवो भव की जो संस्कृति है वो सच्चे अर्थों में अभी भी बरकरार है। तो मैं यहाँ हमारे जो बाशिंदे इनको सभी को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ वंदन करता हूँ और गुजरात आने का न्योता देता हूँ। धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा और जितने लोग आए आप सभी को हम न्योता दे रहे हैं। आप भी पत्रकार मीडिया के प्रिंट मीडिया के मित्र आपको भी हम आमंत्रण देते हैं। आप भी पधारिए आपका हम सभी के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। इलेक्शन तो जब जब समय आता है जाता है वो तो प्रक्रिया है पूरे देश की। इससे सर हमारे तो क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत इतने सालों से ये जो हमारा हिस्ट्री था ये अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का 75 साल हो रहे हैं तो हम तो मोदी साहब ने सूत्र दिया सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास तो सबका विश्वास संपादन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो इससे जोड़ने से कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमारा सौराष्ट्र गुजरात और ये तमिल का संगम है। ये पारिवारिक हमारा नाता रिश्ता पुरखों का है सदियों से 1000 साल पहले का उसको फिर से वापिस जुड़ना है। सबका भी अभिनंदन करते हैं आपको भी अभिनंदन आपको भी आभार बीजेपी पार्टी कांग्रेस ब्रांडिंग इन इंडिया वो अपने अपने पक्ष का अपना अपना नजरिया होता है। हम आज ये सिर्फ एक काम के लिए आए हैं कि तमिल गुजराती हमारा संगम है समन्वय की भावना हम आगे बढ़े फिर बाद में वो अलग फंक्शन आए जब चुनाव आएगा तब मैं जरूर आऊँगा बात करूँगा।